या फिर अपने जो पेड़ होते हैं अपने किस प्रकार सूख रहे हैं, अपने घर के आसपास होते हैं बड़े पेड़ लगे होते हैं, या फिर अपने घर के अंदर बड़े पेड़ होते हैं, या फिर अपने खेतों में बड़े पेड़ लगे होते हैं, या गली मोहल्ले में कहीं भी आपके आसपास में जितने बड़े पेड़ होते हैं वो अपने अचानक सूखने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर आपको देखते हैं कि ये बड़ा पेड़ है, खड़ा पेड़ है, धीरे धीरे पत्तियाँ गिरा रहे हैं और अपने धीरे धीरे सूख रहे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ जानेंगे इसका जो कारण क्या रहता है और इसका जो सूखने के पीछे अपने कारण और उसके जो उपाय का अपने किस प्रकार सही करेंगे जो अपना अपना अच्छा पेड़ अपने हरा भरा फिर से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार और आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल एग्री राठौड़ में। तो वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। जितने अपने पेड़ पृथ्वी पर लगाएंगे उतनी ही कम है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो साथी हैं, अपने दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, मित्र जितने भी अपने सर्किल के अंदर हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, जिससे होगा कि वो भी अपने आसपास के जितने पेड़ हैं सूखे उनको बचा सकें और अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। तो मैं पहले इसकी वीडियो अंदर बता देता हूँ इसके जो कारण क्या रहता है पेड़ अपने सूखने के। पहला जो अपना कारण आएगा दीमक लगना। जब अपने देखते हैं कि अपना सूखा पेड़ है, सूखी जगह हमेशा ही दीमक लगेगी, या फिर अपने आसपास भी सूखी जगह घर के आसपास में अपने पेड़ लगाए तो बहुत वर्षों से लगाए, मतलब 10-15 वर्षों से पेड़ लगाए, कई बार अपन देखते हैं ज़्यादा 20-25 वर्षों से वो पेड़ लगाए तो उसके अंदर दीमक प्रॉब्लम आ जाती है। दीमक जो दीमक होती है अपने सेलुलोज खाती है, अपने जो अपने सूखी जगह वहाँ पे दीमक अपनी कॉलोनियाँ बनाती है और अपने वहाँ पे उसको पेड़ को खाना शुरू कर देती है, जिससे होगा कि पेड़ अपने धीरे धीरे अपने सूखना शुरू हो जाएगा और वो अपने ख़त्म हो जाएगा। अब जो सेकंड अपने जो कारण रहता है सूत्रकर्मी, एक नेमेटोड अपने एक सूत्रकर्मी होता है, कीट ही मान लेते हैं, अपने जो धागे जैसी संरचना होती है वो भूमि के अंदर एक जो पौधे की जो पेड़ की जड़ें होती हैं उनके अंदर गांठियां बनाता है और अपने वहाँ पे अवरोध पैदा कर देते हैं, जिससे कि पौधा अपने पेड़ होता है वो बड़ा पेड़ जो आसपास के पोषक तत्व लेता है, पानी लेता है, वो वहाँ से अपने ऊपर पत्तियों तक नहीं पहुँचा पाता है और वहाँ पे जड़ों के पास में बड़ी बड़ी गांठियां बना देता है और अवरोध पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से पेड़ धीरे धीरे अपना सूखना स्टार्ट हो जाता है और पत्तियां गिराना शुरू कर देते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ पानी की कमी से तीसरा जो कारण रहेगा। अपने गर्मियों के समय पानी अपने नहीं दे सकते पेड़ को, या फिर अपने किसी वजह से पानी अपने नहीं देते पेड़ को, ज़्यादातर पानी आसपास भूमि के अंदर पानी अपने नमी का जो सोर्स होता है वो नहीं मिल पाता जड़ों को, तब वो पेड़ अपने सूखना स्टार्ट हो जाता है, ये अपने प्रॉब्लम आती है। फोर्थ जो कारण आता है भूमि के अंदर सेम की प्रॉब्लम। अपने देखते हैं कि वाटर लेवल की जो प्रॉब्लम आती है अपने एरिया के अंदर, वाटर लेवल ऊपर है 10 से 15 फीट के अंदर ऊपर वाटर लेवल है तो उसकी जो जड़ें होती है पेड़ की वो वाटर लेवल तक जाती है, तो वहाँ पे उसको खारा पानी मिलता है और खारे पानी के आने से संपर्क माने से उसकी जो जड़ें डैमेज हो जाती है और पौधा धीरे धीरे अपने डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि खारे पानी के अंदर पेड़ होते हैं जो अपने काम नहीं करते या अपने वो लग नहीं पाते। फिफ्थ जो मेन कारण अपने को देखने मिलेगा है जो अपने पेड़ होते हैं बड़े पेड़, उसको एक कीट अपने नुकसान पहुँचाते हैं, जिसको अपने छाल बक्स कीट बोल सकते हैं, जो अपने छाल होती है पेड़ की उसको अपने वो खाता रहता है और धीरे धीरे अपने उस पेड़ को जिसकी जड़ों के पास से उसकी जो छाल खा जाता है, वो छाल खाने से उसकी जाइलम फ्लोएम में अपने अवरोध पैदा कर देते हैं, जिससे वो अपना पेड़ अपने सूख जाते हैं। अब आपको मैं इसका ट्रीटमेंट बताऊँगा, इन सभी अपने जो कारण हैं इनको अपने मैं ट्रीटमेंट बता दूँगा। दीमक लग गया है तो दीमक लगने अपने कारण है तो अपने आसपास जगह उसको खोद के अपने प्रॉपर पानी भरना है। पानी के साथ में आपको 5 लीटर प्रति ml आपको क्लोरोपाइरोफास नामक आपको मार्केट में दवा मिल जाएगी, वो अपने दवा ला के अपने इस पानी के साथ मिक्स करके आपको देनी है 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से। सूत्रकर्मी के लिए आपको मार्केट में आपको नीम की खली नाम की आपको जो खाद मिलेगी उसको आपको डालना है, एक अपनी नीम वाली तो उसको अपने अच्छे से खोद के आसपास पेड़ के अपने खोद के उसको खली को डाल देंगे, जिससे जो खली के अंदर जो नीम के अंदर जो अपने पाए जाते हैं जो एजाडेक्टिन वगैरह जो अपने तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण वो सूत्रकर्मी धीरे धीरे अपना अवरोध बंद कर देंगे और अपने ख़त्म हो जाएंगे। चौथा कारण क्या है, पानी की कमी से पानी आप दे सकते हो, पानी उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक जो मेन रीजन मैंने को देखने को मिला, ज़्यादातर अपने किसान साथियों को समस्या आती है कि जो हमारा पेड़ होता है जैसे अपना किन्नू का पेड़ है तो अपने वो सूखना शुरू हो रहा है, उसकी जड़ें होती हैं वो आसपास अपने गुच्छे बना लेती है पोषक तत्वों के लिए, जड़ें होती है बहुत सी जड़ें अपने गुच्छे बना लेती है, गुच्छे के अंदर वो अपने पूरा ऐसे गुच्छा बन जाएगी, पूरी जड़ों का गुच्छा बनता है उसको अपने जाला बोलते हैं, या फिर अपने बोलते हैं कि गुच्छो जड़ों का जाला बन गया है। तो अपने को पेड़ की जो अपने मुख्य तना होता है उसकी 2 फुट की चौड़ाई से अपने पूर्व गुलाई के अंदर अपने 2 से 3 फीट अपने छोड़ के पेड़ के तने से और पूर्व गुलाई के अंदर उसकी खुदाई करनी है। खुदाई के अंदर जितनी भी अपनी जड़ें आएगी उनको अपने बाहर निकाल देना है, जो अपने देखते हैं कि
जो जड़ें होती है अपने गुच्छे बना लेती है। गुच्छे बनाने से पोषक तत्व की और जो पानी होती है उनका कंपटीशन बन जाता है और पौधे को अपने जो पोषक तत्व है पानी नहीं पहुंचा पाते, जिससे अपने किन्नू का पेड़ होते हैं बागों में अपने बहुत से किन्नू पेड़ देखते हैं वो सूख जाते हैं, या फिर कोई भी अपने बड़ा पेड़ हो गया आम वगैरह किसी भी पेड़ अपने देख लेते हैं इनके अंदर कंपटीशन आ जाते हैं। तो ये भी ये आपको तरीका ये आपको करना है, पेड़ के 2 से 3 फीट दूरी पर तने के अपने गोलाई के अंदर एक मतलब अच्छा घेरे से गड्ढा बनाना है पूरी गोलाई के अंदर, इस फोटो के अंदर मैं बता दे रहा हूँ। तो अपने इस प्रकार उसमें खाद वगैरह अपने डाल के पानी डाल के फिर से वो गड्ढा बंद कर देना है, ये अपने जाला निकालने की प्रोसेस होती है। अब जो अपने बात कर लेता हूँ जो पानी की कमी से पानी अपने डाल सकते हैं, भूमि के अंदर सेम की कमी है, सेम की प्रॉब्लम आती है, सेम वाली समस्या के अंदर तो पेड़ अपने ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो अपने ये आपको कैंसिल करना पड़ेगा, ये आपको प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो आपको ये सब ट्रीटमेंट बता दिए मैंने और जो आपके कारण बता दिए पेड़ सूखने के। तो थैंक यू, धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर दें।